नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे रेलवे SSC को ध्यान में रखते हुए आपके लिए सामान्य विज्ञान की सीरीज लाई जाती है और आज हम इसका 14वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन शुष्क सेल है। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है? शुष्क सेल है। चतुर्थक सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल या इनमें से कोई नहीं? तो शुष्क सेल है, यह प्राथमिक सेल का उदाहरण है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, निम्नलिखित में से कहाँ प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर या निर्वात से गुजरने पर? तो कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति जो होती है यह न्यूनतम हो जाती है। सामान्य तौर पर हम देखेंगे निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है यह 3×10^8 मीटर पर सेकंड होती है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तड़ित चालक जो होते हैं यह किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो तांबे के द्वारा। किस यंत्र का काम डायनामो के कार्य का उल्टा होता है? आप देखते हैं डायनामो जो है यह क्या कार्य करता है? डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पूछा गया किसका कार्य डायनामो के कार्य का बिल्कुल उल्टा है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है इनमें से? यानी विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो मोटर, यह मोटर हो जाएगी। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और मोटर जो होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पांचवा क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। आंसर होगा डी, फ्लक्सोमीटर के द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र जो है यह फ्लक्सोमीटर के द्वारा मापा जाता है, इसका मात्रक फ्लक्स होता है। छठवा क्वेश्चन, नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच कौन सा का कोण है? नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है? आंसर ए, 0°। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? सातवां क्वेश्चन, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? आंसर होगा बी, 90°। आठवां क्वेश्चन, स्कूटर के आविष्कारक हैं। स्कूटर के आविष्कारक हैं तो ए, ब्रॉडशॉ। ब्रॉडशॉ जो हैं यह स्कूटर के आविष्कारक हैं। नौवां क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? कॉस्मिक किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा बी, विक्टर हेस ने। कॉस्मिक किरणों की खोज जो है विक्टर हेस के द्वारा की गई। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दसवां क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो सी, नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा जो होती है यह नियंत्रित विखंडन के द्वारा उत्पन्न होती है। कोबाल्ट-60 उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट-60 जो है यह क्या उत्सर्जित करता है? 11वां क्वेश्चन, आंसर होगा गामा किरण। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की, चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की, रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की, जबकि पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन के द्वारा की गई। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है सी, अमोनियम क्लोराइड। 14वां क्वेश्चन, अतिचालक का लक्षण है। उच्च पारगम्यता, अतिचालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। पंद्रहवा क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है जिसमें ठोस जो है सीधे गैस रूप में परिवर्तित होने लगते हैं। 16वां क्वेश्चन, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं। तो आर्किमिडीज जो थे जिन्होंने जल के संबंध में अपना सिद्धांत दिया कि किसी वस्तु को अगर जल में डुबाया जाए तो उसके द्वारा हटाया गया भार जल हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, तो वस्तु का भार जो है हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो जाता है। आर्किमिडीज ने सिद्धांत पेश किया था और ये ग्रीस से संबंधित है। 17वां क्वेश्चन, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता पाई जाती है।
तो यूरेनियम 235 नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। इसमें नम समस्थानिक की समृद्धता पाई जाती है। 18वां क्वेश्चन, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ब्रह्मांड में कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ए हाइड्रोजन। 19वां क्वेश्चन, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं तो सी चुंबकीय दिक्पात। इसे चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन, सबसे अधिक विद्युत क्षमता होती है सी गामा किरण होती है। 21वां क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो यह कम होती। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा? किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या हो जाएगा? आंसर डी 2θ। दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर जो परिवर्तित किरण है उसका घूर्णन कोण 2θ हो जाता है। 23वां क्वेश्चन, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? विद्युत धारा का पता लगाने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। 24वां क्वेश्चन, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है यह 10^-10 मीटर के बराबर होता है तथा यह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है, मतलब तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है यह। अगला, निम्नांकित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? 26वां क्वेश्चन, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो बी पारा। 27वां क्वेश्चन, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का नहीं, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता का ये भी नहीं। आगे दो ऑप्शन और देखते हैं, खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सी ऑप्शन में दिया है उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, जबकि डी ऑप्शन है निम्न विशिष्ट उच्च तथा उच्च चालकता। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का। खाना बनाने का बर्तन जो है यह उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का होना चाहिए। 28वां क्वेश्चन, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा कितना होगा? तो किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक जो है यह ऋणात्मक होता है। 29वां क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान है? आंसर होगा सी, 6×10^24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6×10^24 kg होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। भूमि के बराबर ही टाइम लेता है, यानी धरती के बराबर ही टाइम लेता है घूमने का। लिफ्ट की खोज किसने की? 31 क्वेश्चन, तो ओटिस के द्वारा लिफ्ट की खोज की गई। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है? 32वां क्वेश्चन, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कैसी ऊर्जा पाई जाती है? तो सी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में जो ऊर्जा पाई जाती है स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों पाई जाती हैं। 33वां क्वेश्चन, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है? किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है? आंसर होगा ए 0°C। 34वां क्वेश्चन, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है यह घटता जाता है। 35वां क्वेश्चन, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। 36वां क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह निम्न में से किसकी इकाई है? तो आंसर हो जाएगा ए ऊर्जा की। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक जो होता है बढ़ता है घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है या परिवर्तित रहता है? तो आंसर होगा ए बढ़ता है, दाब के बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है।
38वां क्वेश्चन वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, वेंचुरी मीटर के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो जल के प्रवाह की दर, जल के प्रवाह की दर को वेंचुरी मीटर से ज्ञात किया जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, प्रवर्तित रहेगा या कोई नहीं? एक लिफ्ट यदि एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार जो होता है यह अपरिवर्तित रहेगा। आंसर हो जाएगा सी, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।